हेलो पीपल, हाउ यू ऑल, हाउ हैव यू बीन गाइस? क्या हाल है बेबीज? कहाँ थे? सर आपको मिस किया। सर मैं तो भूलता ही नहीं आप लोगों को, मिस करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या हाल है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है सर? मज़े आ रहे हैं? तो सर विदाउट वेस्टिंग टाइम आज अपन अपना डिपॉजिटरी चैप्टर शुरू करते हैं, फटाक से ख़त्म करते हैं, क्या बोलते हो सर? एक बहुत वास्ट इंटेंस डिस्कशन हम कर चुके हैं हमारे डिपॉजिटरी चैप्टर पे, है ना? डिपॉजिटरी सिस्टम समझ लिया है, उसका ओरिजिन समझ लिया, कहाँ से आया, क्यों आया, दो डिपॉजिटरीज क्यों हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम में। सर फिज़िकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म का एवोल्यूशन कैसा था सर हमारा, किस वजह से हमने ये सब चीज़ें करनी पड़ी, किस वजह से हमने ये स्टेप लेना पड़ा सर, क्या स्टोरीज थी, क्या स्कैम्स थे, ये सब देखा हमने, जिनकी वजह से हमने हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ को इतना ज़्यादा चलन में लाया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम हमारी टेक्स्ट बुक से आगे बढ़ते हुए थे, हमने हमारा पिछला लेक्चर यहाँ पर स्टॉप किया था, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या होता है सर? कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस मैं तुमको इस चीज़ का मतलब बता दूँ तो तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम से, या हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम का कौन कौन पार्ट है। तो उनको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोला सर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम में हम देखेंगे सर, सबसे पहले आजा भाई, गिव मी अ मोमेंट गाइस, ओके, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस, यस सर। तो हम सबसे पहले हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहले तो हमारा डिपॉजिटरी ही है, ठीक है सर। डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे चल रहा है? डिपॉजिटरी की वजह से चल रहा है। कितने डिपॉजिटरीज हैं सर? दो डिपॉजिटरीज आपने बताया हमें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट कौन सा है सर हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम का? आपने बोला सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है सर? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज बेसिकली अ ब्रोकर एंड अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी। आपने बोला हाँ सर, ये जो ब्रोकर है ना, ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ना, ये जोड़ के रखता है किसको? इन्वेस्टर को और डिपॉजिटरी को एक दूसरे से। क्या आपने बोला कि इसको हमने ब्रिज बना रखा है, किसका? इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी का। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा कि बेनिफिशियल ओनर कौन होता है सर? बेनिफिशियल ओनर हमने उस बंदे को बोला जो बंदा सिक्योरिटीज होल्ड करता है किसी कंपनी की, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में। सर उन सिक्योरिटीज की कस्टडी किसके पास होती है? आपने बोला सर उन सिक्योरिटीज की कस्टडी डिपॉजिटरीज के पास होती है, लेकिन इसका जो बेनिफिशियल राइट्स हैं, जो इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं सारी सिक्योरिटीज के, ये कौन उठा रहा है सर? हमारा बंदा उठा रहा है जिसके पास सिक्योरिटीज है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में। आपने बोला सर इसीलिए हमने इसको बेनिफिशियल ओनर बोला, क्योंकि सारे बेनिफिट्स, सारी चीजें, सारे फायदे, सारे लाभ, सारे नुकसान किसके हैं सर? हमारे बेनिफिशियल ओनर के हैं। तो इसीलिए हमने बेनिफिट्स मिलने वाले बंदे को क्या बोला सर? बेनिफिशियल ओनर बोला। आपने बोला इश्यूअर। अब ये इश्यूअर कंपनी क्या है? सर जस्ट अ सेकेंड, आई एम नॉट गेटिंग इट, व्हाट इज हैपनिंग, Why is it bothering me? आ जाओ, चलो 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 चलो, we are back again. Yes sir, the issuer company. सर इश्यूअर कंपनी आपने किसको बोला? इश्यूअर कंपनी वो कंपनी है जिसने अपनी सिक्योरिटीज इशू की है सर। इस इश्यूअर कंपनी ने जब अपनी सिक्योरिटीज इशू करी,
तब जाके डिपॉजिटरी को पता चला, भैया तब जाके इस बंदे ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज खरीदी, तब जाके उन सिक्योरिटीज की कस्टडी डिपॉजिटरी ने ली, तब जाके इस डीपी ने, इस ब्रोकर ने इस बंदे को उस कंपनी की सिक्योरिटीज दिलाई। तो जब तक ये कंपनी शेयर्स इशू नहीं करेगी, तो आपको ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी? इसीलिए हमने इसको क्या बोला सर, इश्यूअर। कंपनी जो शेयर इश्यू कर रही है, जो सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है, उसको हमने हमारी इश्यूअर कंपनी बोला। ओके सर, चलो अब एक एक करके समझते हैं कि डिपॉजिटरी क्या होता है। सर वैसे तो आपने बहुत डिटेल में समझा दिया है, लेकिन एक बार और हम डिस्कस करेंगे। आपने बोला इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक। सर आपने हमें कुछ फीचर्स बताए थे जो सेंट्रल बैंक, मतलब कोई भी बैंक, या फिर आपने बोला सेंट्रल बैंक, इसलिए बोला क्योंकि हम आरबीआई से इसको डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। आपने बोला ठीक है। सर आपने बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है, इसका बहुत रिजेम्बलेंस है। जैसे आप अपने बैंक में सिक्योरिटीज नहीं, आप अपने बैंक में पैसे जमा करते हैं, वैसे ही आप डिपॉजिटरी आपके बिहाफ में क्या करती है सर, आपके बिहाफ में आपकी सिक्योरिटीज होल्ड करती है। जैसे आपका बैंक आपके बिहाफ में फंड्स क्या करता है, अपने पास रखता है, आपके बिहाफ में डिपॉजिट करता है आपके फंड्स, वैसे ही डिपॉजिटरी आपकी सिक्योरिटीज की कस्टडी रखती है आपके बिहाफ में। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, हमने एक एक करके ऊपर देखे हैं सारे फीचर्स। आपने बोला ठीक है सर। वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट। सर आपने बोला कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है, लेकिन यहां पर आपकी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती हैं। कब? आपकी रिक्वेस्ट पर। आपकी मतलब आप कौन हुए, आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पर। आपने बोला ठीक है सर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन सच सिक्योरिटीज। सर आपने बोला कि ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सर कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? इफ यू वॉन्ट टू बाय द सिक्योरिटी यू कैन बाय द सिक्योरिटी, इफ यू वॉन्ट टू सेल द सिक्योरिटी यू कैन सेल द सिक्योरिटीज। सर कल को अगर कंपनी ने आपको बोनस शेयर्स इशू किए, तो ये डिपॉजिटरी आपको बोनस शेयर्स देगी। सर कैसे देगी? क्योंकि आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो डिपॉजिटरी का नाम है ना, कंपनी देगी किसको? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? सर बेनिफिशियल ओनर में करेगी, याद है पढ़ा था हमने। ठीक है सर। इसके बाद हमने देखा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी। सर आपने बोला डिपॉजिटरी का काम है दैट इट प्रोटेक्ट्स, इट सेव्स योर सिक्योरिटी फ्रॉम एनी डिफ्रॉड। सर कुछ गलत होने से, अब आप मान लो फिजिकल फॉर्म में आप सिक्योरिटीज होल्ड करते थे, कुछ भी हो सकता था, कट सकती थी, फट सकती थी, घूम सकती थी, चोरी हो सकती थी। सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी में ऐसा कोई स्कोप है क्या? सर नहीं है, क्योंकि आपके डिपॉजिटरी का हमने जब देखा था कि डिपॉजिटरी कैसे बनाते हैं, तो उसके फीचर्स में हमने ये देखा था कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सर तो ये उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसे आपकी सिक्योरिटीज को क्या करती है, सिक्योरिटीज को सेफ करके रखती है। आपने बोला ठीक है सर। देर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी। सर आपने पहले ही हमको बता दिया हम सॉरी। हाँ तो सर आपने हमको पहले ही बता दिया कि ये जो डिपॉजिटरी है, ये और इन्वेस्टर के बीच में एक बंदा होता है, एक लिंक होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी को जोड़े रखता है। लेकिन हम इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कनेक्टेड हैं क्या? आपने बोला नहीं सर, आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कनेक्टेड नहीं है, आप थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी से कनेक्टेड है। आपने बोला ठीक है सर। इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर। आपने बोला कि सर डिपॉजिटरी जो है ना, ये कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में लिंक है। जैसे इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में हमारा डीपी लिंक है ना, वैसे ही एक कंपनी और एक इन्वेस्टर के बीच में डिपॉजिटरी लिंक है। आपने बोला ठीक है सर। अब ये देखो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया है कि आपके डिपॉजिटरी कैसे बनती है इंडिया में। ठीक है सर। आपने बोला कि सर दो डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल,
विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी, सर सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। डिपॉजिटरी मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा कर ली हैं कि सर एक डिपॉजिटरी आपके देश में कैसे बनती है, तो ये वही बता रहा है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, मैं वापस से आपको एक बार पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ चुकी है। सर देखो, हु कैन बिकम डिपॉजिटरी, ठीक है, कंपनी कंपनी एक्ट के अंदर होना चाहिए सर, सेबी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और क्या कह रहा है देखो, आगे देखते हैं। सर आपने बोला कि डिपॉजिटरी मस्ट रजिस्टर एज डिपॉजिटरी अंडर सेबी एक्ट 1992 एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम सेबी। सर देख लिया है, सेबी से आपने क्या करना है, आपने कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना है, यानी आपको सेबी के साथ रजिस्टर करवाना है अगर आपको डिपॉजिटरी की तरह एक्ट करना है तो। सर इट शुड हैव बायलॉज, सर याद आ रहा है मैंने आपको बताया था कंपनी अपने खुद के बायलॉज बनाती है। बायलॉज यानी क्या सर, सेल्फ गवर्निंग रूल्स, कंपनी अपने खुद के सेल्फ गवर्निंग रूल्स बनाती है, उन्हें अपने आर्टिकल्स में लिखती है, याद है सर। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अथॉरिटीज होती हैं जो कंपनी अपने आप को देती है। आपने बोला ठीक है सर, इट शुड हैव अ टाई अप विथ वन और मोर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू रेंडर डिपॉजिटरी सर्विस ऑन इट्स बिहाफ। सर आपने ये भी बता दिया है कि डिपॉजिटरी को कम से कम डिपॉजिट, अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है पूजा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे जरा वक्त दें। हाँ भाई, तो आपने बोला कि सर आपकी डिपॉजिटरी जो है ना, इस डिपॉजिटरी को कम से कम एक या फिर एक से मोर देन वन डीपी से क्या करना पड़ेगा सर, टाई अप करना पड़ेगा। कम से कम आपके पास एक या एक से ज्यादा डीपी तो हो, क्योंकि कम से कम एक तो हो, क्योंकि ये डीपी क्या कर रहा है, ये आपको इन्वेस्टर से जोड़ रहा है सर, इन्वेस्टर आपके पास डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो आपने बोला कि हाँ ये जरूरी है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इट इज इक्विप्ड विथ एडिक्वेट सिस्टम टू सेफ गार्ड एंड प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेबी। ये वही बात कर रहा है जब मैंने आपको बताया था, याद है कि सर आपने आपकी कंपनी का नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, आपने आपके सिक्योरिटीज को जो इन्वेस्टर्स आपके पास रखवा रहे हैं उनका सेफगार्ड करना है सर, आपको उनको मैनिपुलेट होने से प्रिवेंट करना है सर, आपको आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें मैनिपुलेट होने से क्या करना है, प्रिवेंट करना है सर। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छा सर। डिपॉजिटरी शुड हैव बीन एस्टैब्लिश बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फॉरेन बैंक, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, अ बॉडी कॉर्पोरेट एंगेज इन फाइनेंशियल सर्विसेज। सर बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड और रिकॉग्नाइज इन फॉरेन कंट्री, एक मिनट यहां तक समझो क्या कह रहा है, कि इनमें से कोई एक, मतलब आपको इनमें से कोई एक या फिर एक से ज्यादा एक्टिविटीज में तो आपको ऐसा फॉलो करना ही है, या फिर आपने डिपॉजिटरी ऐसे बनाइए कि आप ये सारे काम भी करते थे पहले, या फिर आप ये सारे काम कर रहे हैं। सर याद है जब हमारी NSDL बनी थी तो कैसे बनी थी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑथोराइज किया था, उनको अथॉरिटी दी थी कि भाई तुम आओ और एक डिपॉजिटरी बनाओ, सॉरी तुम आओ और अपना एक स्टॉक एक्सचेंज बनाओ। फिर वो स्टॉक एक्सचेंज बना था, तो स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद हमने अपनी खुद की डिपॉजिटरी बनाई थी सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी डिपॉजिटरी बनाई थी। तो ये किन लोगों ने बनाई थी सर, ये बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने तो बनाई थी, किसने बनाने बोला था इनको, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी थी कि सर आप आइए और आप आके एक अपना स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म कीजिए, और फिर थोड़े टाइम बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को नीड लगी कि सर डिपॉजिटरी भी होनी चाहिए, तो डिपॉजिटरी बनाए। तो समझो आपने बोला
कि अगर डिपॉजिटरी आपको बनानी है तो या तो आपने आप एक फाइनेंशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, या फिर आप बैंक हैं, या आप फॉरेन बैंक हैं। सर ये वो लोग हैं जो डिपॉजिटरी बना सकते हैं, ठीक है। आपने बोला कोई बॉडी कॉरपोरेट है जो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में एंगेज है, ठीक है सर। फाइनेंशियल सर्विसेज देती है यानी पैसों का लेन देन, फाइनेंस का लेन देन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर। उसके बाद आपने बोला अब बॉडी कॉरपोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड इन फॉरेन कंट्री। सर आपने बोला कि कोई बॉडी कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है जो कहाँ बनी है, फॉरेन में बनी है, बाहर बनी है, क्यों बनी है सर। कस्टोडियल और क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विस इन सिक्योरिटीज मार्केट। सर आपने बोला कि ये वही क्लियरिंग अपनी क्लियरिंग कॉरपोरेशन थी ना, NSCCL, अगर ये वो कंपनी है जो बाहर ऐसे बनी है, इन सारे कामों के लिए बनी है जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम कर रही है, तो आप डिपॉजिटरी बन सकते हैं सर। आपने बोला सर इंस्टीट्यूशन एंगेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एस्टैब्लिश अब्रॉड एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने बोला कि सर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और देश से बाहर हैं, लेकिन उनके पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है, सो वो डिपॉजिटरी बन सकते हैं सर। आपने बोला डिपॉजिटरी इज डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड ओनर ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑन इन्वेस्टर्स बिहाफ। यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, डिपॉजिटरी क्या है, डीम्ड यानी माना गया। आपने बोला कि डिपॉजिटरी ही क्या है, आपके सिक्योरिटीज की रजिस्टर्ड ओनर है। क्या है, रजिस्टर्ड ओनर है। क्यों है, क्योंकि आपने बोला कि आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपने डिपॉजिटरी का नाम लिखा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सिक्योरिटीज के सारे बेनिफिट्स वगैरह हैं, ये किसको मिल रहे हैं सर, हमारे बेनिफिशियल ओनर को मिल रहे हैं, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर, आपने ये सिक्योरिटीज किसके बिहाफ में होल्ड कर रखी है, इन्वेस्टर के बिहाफ में। इन्वेस्टर कौन है, बेनिफिशियल ओनर है। आपने बोला ठीक है सर। चलो इसके बाद देखते हैं हमारा लीगल फ्रेमवर्क क्या है डिपॉजिटरी का। सर आपने बोला कि सर सेबी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर आपने बोला कि सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट एक्ट, सॉरी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रूल 2018, सर ये अमेंड हो गया है, ये अब 2018 हो गया है। खैर आप बुक में 2012 है तो 2012 ही लिखना, मैंने आपको 2018 लिखवाया है, वो अमेंड हो चुका है यानी रिपील हो गया है, बदल गया है। आपने बोला ठीक है सर। तो उसके बाद अपने खुद के बायलॉज होने चाहिए सर, कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लाइड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक डिपॉजिटरी को कंप्लाई करनी है सर। आपने बोला ठीक है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका एजेंट है, किसका, डिपॉजिटरी का। सर आपने बोला डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, सर ये ब्रोकर है। सर डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट, डीपी जो है उसको भी सेबी के अंदर रजिस्टर्ड करना होता है। सर इट एंजॉयज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 1996। सर आपने बोला कि ये जो अपने ईयर्स हैं, ये याद रखना है क्या सर, सुनो ईयर नहीं भी लिखाना तो चलेगा, क्योंकि आपको इतने अमेंडमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारा सब कुछ बदल गया ना, ये आपको मैं अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, जबरदस्त ऐसा बहुत फालतू में ज़बरदस्ती फंबल अप होगा आपका, तो उससे बेहतर है कि मत लिखना ईयर तो भी चलेगा, लेकिन रेगुलेशंस अच्छे से, जैसे मैंने बताया सर, पहला लेटर कैपिटल, उसके बीच में आपने बोला कि एंड लिख के, फिर दूसरा लेटर कैपिटल, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर रेगुलेशन का आर कैपिटल, इस ही तरीके से लिखना। अगर अगर किसी ने ये बदतमीजी करी, या फिर किसी ने ये बदतमीजी करी, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। सर आपने इज्जत से सेबी पूरा कैपिटल में लिखना है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का डी कैपिटल में लिखना है। पूरा लिखने के बाद सर डिपॉजिटरी एंड एंड पार्टिसिपेंट्स का पी, ब्रैकेट क्लोज,
उसके बाद आपने रेगुलेशन का आर बढ़ा, और अगर ईयर लिखो तो ईयर के रेगुलेशन के बाद कॉमा लगा के 1996 या फिर 2018 व्हाटसो एवर, ठीक है। अभी हम 2018 फॉलो करते हैं, लेकिन आपकी बुक में 1996 दिया है सर, गलत नहीं है, वो पुराना है बस, ठीक है। बस चलो आप आगे देखते हैं। इट इज एन इंटरमीजरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी। इसको कौन अपॉइंट करता है? सर आपने बोला कि एक इंटरमीजरी है, इंटरमीजरी है यानी लिंक है, किसके बीच में, एक मिडिल मैन है सर, मिडिल मैन है। आप इसको बोलो कि एजेंट ऑफ इन्वेस्टर है तो भी गलत नहीं है, आपने बोला कि सर एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी है तो भी गलत नहीं है। सर ये दोनों रोल्स प्ले करता है, कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है, ये आपके एजेंट इन्वेस्टर का भी एजेंट बन जाता है, ये आपके डिपॉजिटरी का भी इन्वेस्टर बन जाता है। तो कहीं पे भी आए एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, एजेंट ऑफ इन्वेस्टर, सर आपने समझना ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात हो रही है, सेम है, ठीक है। चलो इसके बाद आपने बोला डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। सर समझ में आ गया, ये हमारा डिपॉजिटरी, ये हमारा इन्वेस्टर, इन दोनों के बीच में यार ब्रिज कैसे बनाऊं? ये जो ब्रिज बना के खड़ा है भाई साहब, ये कैसा ब्रिज है सर? भाई अल्तमश खान की ड्राइंग में संकोच नहीं करना, सॉरी संदेह नहीं करना, ये ब्रिज है, मैंने बोला ना ब्रिज है तो ब्रिज है भैया। अब ये ब्रिज कौन है सर? ये ब्रिज अपना डीपी है, ठीक है। चलो बढ़िया सर, इट डायरेक्टली डील्स विद कस्टमर्स। सर आपने बोला ये क्या है, ये डायरेक्टली कस्टमर्स से डील करता है। इट सेंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पीरियोडिकली। कस्टमर्स कौन है सर? कस्टमर्स हम ही हैं, हम इन्वेस्टर्स ही डीपी के कस्टमर्स हैं, आपने बोला, ठीक है सर। इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिक्योरिटीज बैंक की तरह काम करता है, कि सर आपने बोला कि आपने इस बंदे के थ्रू सिक्योरिटीज खरीदी, इस बंदे के थ्रू सिक्योरिटीज बेची, तो आपका खरीदना बेचना ऐसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है सर, इस बंदे के थ्रू हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है सर? ये सिक्योरिटीज बैंक का काम कर रहा है मान लो, ठीक है। आपने बोला इट फैसिलिटेट्स डीमटेरियलाइजेशन। सर आपने बोला डीमटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल फॉर्म से हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये चीज कौन फैसिलिटेट कर रहा है? ये हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फैसिलिटेट करता है। सर कैसे करता है आगे देखेंगे, आगे क्या देखना है वो तो देख लिया हमने, कि सर आपने बोला स्टॉक एक्सचेंज को हमने इंफॉर्मेशन दी, डीआरएफ फॉर्म भरा, डीआरएफ फॉर्म भरने के बाद इसने कंपनी को भेजा, डिपॉजिटरी को भेजा, कंपनी ने शेयर्स कैंसिल करी, डिपॉजिटरी ने आपके शेयर्स क्रेडिट करी डीमैट में, है ना, देख ही लिया है वो तो, आपने बोला ठीक है सर। इट क्रेडिट सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ राइट्स इशू, बोनस इशू एक्सेट्रा। सर आपने बोला कि जब भी कंपनी राइट्स इशू करती है, जब भी कंपनी बोनस इशू करती है, तो ये सिक्योरिटीज डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, आपने बोला ठीक है सर। इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट लाइक डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सर आपने बोला कि जब कंपनी डिविडेंड देती है, जब कंपनी इंटरेस्ट देती है, तो ये क्या करता है? ये डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर करवा देता है। सर याद है डीमैट से आपके एनएससीसीएल के पास, एनएससीसीएल से आपके नेक्स्ट उसमें, सर वहां से उसके बैंक से एनएससीसीएल के पास, एनएससीसीएल के पास से आपके बैंक अकाउंट में। सर तो यहां पे किसके थ्रू हो रहा है ये सब चीजें? ये हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू हो रही है सर। इट सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली। सर आपके जो ट्रेड्स हैं इनको सेटल करके देता है इलेक्ट्रॉनिकली। सर आपने बोला कि मुझे कहीं पे भी जाना नहीं पड़ा अपने शेयर्स बेचने के लिए, या मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा मेरे नए शेयर्स खरीदने के लिए, मैं अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया, उसने मेरे बिहाफ में शेयर्स बेच दिए, मेरे पास पैसा आ गया, मेरा सेटलमेंट हो गया सर, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली ही हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने बोला हाँ सर। नेक्स्ट आप अपन देखते हैं भैया, फॉलोइंग वर्क एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सर क्या क्या फॉलोइंग वर्क हैं हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के? सर आपने बोला डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट
कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता है सर, कोई फॉरेन बैंक भी हो सकता है जिसको हमारे अप्रूव किया है हमने सर। आपने बोला कस्टोडियन हो सकता है सर, कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन इज़ बेसिकली हु इज़ होल्डिंग योर सिक्योरिटीज़ ऑन योर बिहाफ सर, उनकी कस्टडी आपके पास है सर, ठीक है। आपने बोला रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑपरेशन ऑफ असेट्स एंड फंड सर, आपके असेट्स और आपके फंड्स का क्या कर रहा है ये? देख रेख कर रहा है सर, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किस चीज़ की? आपके असेट्स और आपके फंड्स का देख रेख करने की। तो इसको हमने क्या बोला सर? कस्टोडियन सर। स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग कॉरपोरेशन सर, आपने बोला कि आपका NBFC जो है वो भी DPA, ठीक है सर। आपने बोला रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट सर। रजिस्ट्रार टू एन इशू क्या है? रजिस्ट्रार टू एन इशू इज एन इंस्टीट्यूशन जिसको एक कंपनी अपॉइंट करती है। रजिस्ट्रार टू एन इशू हमने देखा, रजिस्ट्रार टू एन इशू क्या करता है सर? आपकी कंपनी इस बंदे को अपॉइंट करती है और आपकी जो कंपनी के रजिस्टर्स होते हैं सर इशू से रिलेटेड, उसके बाद जो शेयर ट्रांसफर से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें कौन देखता है सर? हमारा RTA और STA बोलते हैं इसको। इसको आप बोलो या तो RTA बोल लो या STA बोल लो सर। शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम क्या होता है सर? आपके जो ट्रेड्स वगैरह होते हैं उनसे उसके रिलेशन में जो सारी चीज़ें होती हैं सर, आपका जो शेयर्स का ट्रांसफर होता है उससे सारी रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो कौन संभालता है कंपनी के बिहाफ में सर? हमारा शेयर ट्रांसफर एजेंट संभालता है सर। रजिस्ट्रार टू एन इशू क्या होता है सर? आपने बोला ये सारी इंटरमीडियरीज हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये कोई सिंगल बंदा नहीं होता है, ये सब इंस्टीट्यूशंस होते हैं सर। रजिस्ट्रार टू एन इशू क्या होता है? आपने बोला कि सर जब कंपनी इशू करती है तो उसके रजिस्टर्स में जो एंट्रीज करनी होती है, उसका रजिस्टर्स वगैरह को जो संभालना होता है, सारा काम कौन करता है सर? हमारा रजिस्ट्रार टू एन इशू करता है। आपने बोला ठीक है सर। इसके बाद द DP मेंटेन्स अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर सर। आपने बोला कि ये डीमैट अकाउंट की बात कर रहा है जरूर। आपका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ये आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन करके रखता है। आपने बोला ठीक है सर। द DP हैज अ यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। आपने बोला सर DP ID याद है? वो DP ID मैंने आपको बताया था, NSDL, CDSL में अगर आप कहीं पे भी रजिस्टर्ड हैं तो NSDL में है तो आपका अल्फा न्यूमेरिक रहता है 8 डिजिट का, और आप CDSL में है तो आपको एक DP ID मिलती है जो ऑल न्यूमेरिक्स रहती है। ये कौन देता है सर? डिपॉजिटरी देती है आपको। कौन किसको देती है सर? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देती है। और ये जो ID देती है इसको हम क्या बोलते हैं? DP ID बोलते हैं सर। उसी ID की बात कर रहा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चलते हैं सर अपन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा बेनिफिशियल ओनर्स सर। बेनिफिशियल ओनर क्या होता है सर? बेनिफिशियल ओनर जो है वो इन्वेस्टर है सर, जो सिक्योरिटीज इन्वेस्ट कर रहा है। कैसे सर? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। कैसे कर रहा है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू कर रहा है सर। उसने डीपी से सर्विस अवेल की है कि सर मुझे डीमैट अकाउंट खुलवा के दो और मुझे इन्वेस्ट करना है इन सिक्योरिटीज पे। किस फॉर्म में सर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहा है। तो इस बंदे को हमने क्या बोला सर? वो बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है और सिक्योरिटीज होल्ड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको हमने बेनिफिशियल ओनर बोला। ठीक है सर। बेनिफिशियल ओनर इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स बेनिफिट्स एंड इज सब्जेक्ट टू ऑल द लाइबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी। आपने बोला कि सर ये जो डिपॉजिटरी है ना, ये सिर्फ आपके लिए सिक्योरिटीज होल्ड करके रख रही है, इसके सारे राइट्स, इसके सारे बेनिफिट्स, इसके सारी लाइबिलिटीज किसके? ये जो शेयर्स हैं वो किसकी है? वो बेनिफिशियल ओनर की है। आपने बोला ठीक है सर। द बेनिफिशियल ओनर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर। गोज विदाउट सेइंग, अगर मैं किसी से अपना काम करवा रहा हूं या मेरे लिए कोई काम कर रहा है कुछ, तो मैं उसका क्या कहलाऊंगा सर? अगर लेमेंस लैंग्वेज में या फिर थोड़ी टेक्निकल भाषा में देखें तो सर मैं क्लाइंट कहलाऊंगा। आपने बोला कि मैं क्लाइंट हूं। अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं तो सामने वाला मेरा क्या हुआ? सामने वाला मेरा क्लाइंट हुआ। वैसे ही डिपॉजिटरीज जो हैं और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, मैं इनसे सर्विस रेंडर कर रहा हूं,
ये मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? डिपॉजिटरी कस्टोडियन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मेरे बिहाफ में शेयर्स कस्टडी में रख रही है अपने। आपने बोला डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेरे बिहाफ में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। सर आपने बोला कि ये ब्रोकर जो है ये इसको मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, ये मेरे शेयर्स बेच देता है, ये मेरे लिए शेयर्स खरीद लेता है, ये मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं इसका क्या हुआ सर? ये मैं इसका क्लाइंट हुआ। तो जो बेनिफिशियल ओनर होता है वो डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का क्या होता है? सर क्लाइंट होता है, आपने बोला। ओके सर, सर बैंक बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन डीमैट अकाउंट। सर डीमैट अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा, किसके पास जाके? डीपी के पास। सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपको सिक्योरिटीज होल्ड करनी है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, खुद दू चीज़ पता है हमको, मत बता। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर हैज़ टू पे चार्जेस टू डीपी फॉर अवेलिंग सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सर आपने बोला कि कुछ मिनिमल थर्की सा ऐसा ऐसा थोड़ा सा तुर्की सा ऐसा इतना सा क्या करता है ब्रोकर? आपसे कमीशन लेता है, उसको अपनी फीस बताता है, या वो उसकी चार्जेस हैं किस चीज़ के? जो मुझे सर्विस अवेल करवा रहा है, वो जो मुझे सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है उसके चार्जेस हैं। आपने बोला ठीक है सर। ऐसा बेनिफिशियल ओनर जो है ना उसको एक यूनिक आईडी नंबर देते हैं। सर आपने बोला इसको हमने बोला था क्लाइंट आईडी, याद आ रहा है? क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी में याद है डिफरेंस बताया था। ये क्लाइंट आईडी कौन सी होती है? क्लाइंट आईडी वो होती है जब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपने क्लाइंट को, यानी जिसने इन्वेस्ट किया है, जिसका डीमैट अकाउंट है, उसको क्या देती है? एक आईडी देती है, जिसको हमने क्लाइंट आईडी बोला था। आपने बोला हाँ सर। अब ये इश्यूअर कंपनी क्या है सर? इश्यूअर कंपनी के बारे में आपने हमको बताया था। सर इश्यूअर कंपनी जो है ये वो कंपनी है जिसने सिक्योरिटीज इशू की है, किस फॉर्म में? सर डीमटेरियलाइज फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आपने बोला ठीक है सर। इट मस्ट रजिस्टर्ड विद डिपॉजिटरी, ये वो कंपनी है जो डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, इश्यूअर कंपनी डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड होती है सर। आपने बोला ठीक है। बड़े चलो सर, कंसेप्ट टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम। सर इसमें तो आपको फुल फ्लेज्ड चार्ट बना के दिया है मैंने, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, फंजिबिलिटी बताया है, एक बार और देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं हमने। सर डीमैट इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ क्लाइंट गेट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर फिजिकल सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा हूँ मैं, इसको डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। ओके, द क्लाइंट हैज टू सरेंडर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द डीमैट रिक्वेस्ट। सर DRF के साथ आपने आपको आपके शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं, उसके बाद ये DRF जो है ये DP किसको फॉरवर्ड करता है? एक डिपॉजिटरी को करता है और एक इश्यूअर को करता है। सर इश्यूअर बोले तो वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज हैं। सर आपने बोला आफ्टर कंफर्मिंग इश्यूअर जो है वो आपके जो डिपॉजिट जो आपके शेयर सर्टिफिकेट हैं उनको कैंसिल करता है और डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करता है, वो डिपॉजिटरी उसके बाद आपके जो शेयर्स हैं उनको क्रेडिट कर देती है आपके डीमैट अकाउंट में। व्हाट्स न्यू इन दिस? नथिंग इज न्यू, हमने तो बल्कि इससे ज़्यादा डिटेल में देखा है, थोड़ा आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ा है। आपने बोला सर रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? सर आपने बताया था रीमटेरियलाइजेशन यानी जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ को फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करवाते हैं। सर कैसे करवाते हैं? आप अपने DP को RRF देते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया मुझे अपने शेयर्स जो हैं इनको कन्वर्ट करवाना है, किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में। फिर वो कंपनी को बताता है, डिपॉजिटरी को बताता है, डिपॉजिटरी अपने शेयर्स कैंसिल करती है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और कंपनी को क्या करती है? सर कंपनी को इन्फॉर्म करती है और वो कंपनी इस बंदे के लिए फिजिकल सर्टिफिकेट्स इसको पहुंचा देती है। आपने बोला हाँ सर ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सर फंजिबिलिटी क्या है। जस्ट अ सेकेंड गाइस,
चलो, फंजेबिलिटी क्या है सर? फंजेबिलिटी मैंने बताया था, व्हेन द शेयर्स, व्हेन द सिक्योरिटीज लूजेस देयर आइडेंटिटी, ठीक है। बैंक से हमने इसको रिलेट करके देखा था, नोट का एग्जांपल बताया था। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। फंजिबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बींग इंटरचेंजेबल। सम फाइनेंशियल असेट्स आर फंजिबल वाइल सम आर नॉट फंजिबल। अब ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है सर? लैंड इज नॉट फंजिबल एज एवरी यूनिट ऑफ लैंड हैज इट्स यूनिक क्वालिटी विच एड्स टू और रिड्यूसेस इट्स वैल्यू। सर आपने बोला कि लैंड जो है ना, लैंड फंजेबल नहीं हो सकती है, क्योंकि लैंड अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करेगी। सर आपने पता है कि ये जो जगह है, ये जो लैंड है, इसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है सर। ये एक अपने आप में यूनिक ऐसे क्वांटिटी क्या कर रही है, रख रही है अपने पास। सर आपने बोला कि लैंड जो है ना, लैंड आपके इंटरचेंजेबल नहीं है सर, लैंड आपकी फंजेबल नहीं है। आपने बोला करेंसी नोट जो है वो फंजेबल है। करेंसी नोट कैसे फंजेबल है सर? आपने बोला आप दो करेंसी नोट्स का डिफरेंस जो है ना वो पता कर सकते हैं, लेकिन अगर वही सेम आपके बैंक अकाउंट में है ना, तो आप उनका पता नहीं लगा सकते सर। करेंसी नोट इज फंजेबल एज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू करेंसी नोट्स, ठीक है, ऑफ द सेम वैल्यू। आपने बोला सिमिलरली सिक्योरिटीज इशूड बाय द सेम कंपनी ऑफ द सेम क्लास हैव सेम वैल्यू नो मैटर हु ओन्स देम। द सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर फंजिबल सर, दे आर इंटरचेंजेबल, दे आर सस्टेनेबल सर, सब्स्टिट्यूटेबल है। क्या है? सब्स्टिट्यूटेबल है सर, सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी नहीं है सर, उनका कोई नंबर नहीं है। जो सिक्योरिटीज आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर रखी है ना, वो सिक्योरिटीज फंजिबल हैं, उनका कोई डिस्टिंक्टिव नंबर, कोई सर्टिफिकेट नंबर या कोई फोलियो नंबर नहीं है सर, इसलिए उन्हें आपने फंजिबल बोला, ठीक है सर। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईएसएन। सर ये क्या है बताता हूं। चलो क्या है ये? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके लिए ना काम करो, ये भी पढ़ लेंगे एक बार, मैं तुम लोगों को ये लिखवा के दे देता हूं पहले। आपने बोला ठीक है सर, तो डालो हेडिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर ये क्या है? सर समझो, ये ना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्या है? इट्स एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर क्या काम आता है? सर आपने बोला इट हेल्प्स इन identifying, it helps in identifying financial securities। ये word थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, like stocks, सर आपने बोला bonds, सर आपने बोला डिबेंचर्स एक्सेट्रा, ग्लोबली, अरे ग्लोबली सर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। किस चीज का सर? आपको ये चीज, ये नंबर
क्या करने में मदद करता है सर? आपकी सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इनको आइडेंटिफाई करने में इट हेल्प्स। ठीक है, कैसे सर? ग्लोबली, इंटरनेशनली आपकी जो सिक्योरिटीज हैं, आपने अगर बाहर कहीं पे सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी हैं, तो आपको क्या मिलता है सर? आइसिन मिलता है सर। ये नंबर जो है ये आपकी सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ग्लोबली सर। एवरी स्पेसिफिक सिक्योरिटी हैज अ स्पेसिफिक आइसन। सर आपने बोला कि हर एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी के लिए एक इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आपने बोला ठीक है सर, आगे बताओ। सर आपने बोला कि इट इज अ जस्ट अ सेकेंड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। सर आपने बोला कि ये एक ऐसा नंबर है जो एक अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो 12 डिजिट्स का होता है। सर इसमें क्या होता है आपका? सर कंट्री कोड होता है, सर सिक्योरिटी टाइप पता चलता है इससे, एंड इट इज एन जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ एंड यूनिक आइडेंटिफायर इज शोन इन दिस। सर आपने बोला कि आपका ना इस न्यूमेरिक नंबर जो 12 नंबर का, 12 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स का ये जो नंबर है, इसमें आपका कंट्री कोड होता है, इसमें आपके सिक्योरिटी टाइप्स होते हैं। सर आपने बोला कि एक यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है, ये सब आपको कैसे पता चलता है? इस नंबर के जरिए पता चलता है। सर आप समझो, दिस नंबर प्रोवाइड्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर अ पर्टिक्युलर सिक्योरिटी। सर आपने बोला कि ये जो नंबर है ना, ये एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दिखाता है किसकी? हमारी एक पर्टिक्युलर सिक्योरिटी की। सर विच विच हेल्प्स इन्वेस्टर विच हेल्प्स इन्वेस्टर एंड रेगुलेटर्स रिकॉग्नाइज और ट्रैक सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। सर आपने बोला कि ये वो नंबर है जो आपकी
एक यूनिक आइडेंटिटी दिखाता है जिसमें आपका कंट्री कोड होता है, आपने बोला आपकी सिक्योरिटी का टाइप होता है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है। किसके लिए? सर आपने बोला कि ये इन्वेस्टर्स को और जो दूसरी रेगुलेटर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वर्ल्ड में उनको ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है। कौन सा सर? हमारा आईएसएन नंबर। सर आप एक एग्जांपल दे देते तो मजा आ जाता। सर एग्जांपल समझो, मान लो फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग अ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी, ठीक है, एक इंडियन कंपनी का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सर आपने बोला एग्जाम्पल के तौर पे इसका आईसिन जो है ये है आई आई एन ई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12 12 डिजिट्स। सर ये 12 डिजिट्स का आपका आईसीएन नंबर है, किसका? आपकी इंडियन कंपनी का। अब इसमें जो आईएन है ये आपका कंट्री कोड हो गया, कंट्री कोड ऑफ इंडिया, इससे आपको आपका कंट्री कोड पता चल गया। सर आपने जो ई लिखा है ये आपका इश्यूअर हो गया। सर ये क्या है? ये आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफायर हो गया। सर आपने जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो लिखा है, सर ये आपका क्या हो गया? यूनिक आइडेंटिटी या यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द सिक्योरिटी हो गया। सर आपने बोला कि ये मेरा क्या हो गया? सर ये मेरा जो यूनिक नंबर था जो मुझे आईसिन मिला था, ये आईसिन मेरा कंट्री कोड डिनोट करता है। सर मेरा किस कंट्री का मेरा सिक्योरिटी है? सर आपने बोला कि एक आपका जो इश्यूअर है वो स्पेसिफाई करता है कि आपको किसने इश्यू किया है। सर आपने बोला कि एक यूनिक नंबर दिया था। सर ये यूनिक नंबर बताता है कि सर मेरा यूनिक नंबर क्या है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू आप ग्लोबली इस सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं? सर ट्रैक कर सकते हैं। अब समझो, दिस इज हाउ एवरी कंट्री एंड इश्यूअर एवरी कंट्री एंड इश्यूअर हैव डिफरेंट आइसन। हर कंपनी, हर कंट्री, हर इश्यूअर क्या होता है? सर इनके पास एक अपना अलग डिफरेंट आइसन होता है विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अ सिक्योरिटी। सर किस चीज में मदद कर रहा है? मुझे अपनी आइडेंटिटी सॉरी मुझे अपनी सिक्योरिटी आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है सर ग्लोबली। ऑल एंड ऑल यही कंक्लूजन है इसका कि सर ये आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है ये इंटरनेशनली जो मेरी सिक्योरिटीज घूम रही हैं उनको ट्रैक करने के लिए और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। सर आपने बोला आईसिन कोड जो है ना इन ट्रेडिंग आईसिन कोड हेल्प्स इन ट्रेडिंग सेटलमेंट, या फिर आप बोल लो रेगुलेटर कंपनी
कंप्लायंसेस ऑफ सिक्योरिटीज। सर ये क्या कर रहा है, ये मुझे हेल्प कर रहा है किस चीज में? सर आपने बोला कि ट्रेडिंग में, सेटलमेंट में, ट्रेडिंग क्या होती है, सेटलमेंट क्या होता है हमने देख लिया है। सर ये मुझे ट्रेडिंग, सेटलमेंट या फिर जो मेरे रेगुलेटर कंप्लायंसेस हैं, वो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, जो मेरे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं सिक्योरिटीज के, ठीक है, पर्टिकुलरली सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी मेरे कंप्लायंसेस हैं उन्हें क्या करने में मदद कर रहा है सर, उन्हें कंप्लाई करने में मदद कर रहा है। ये क्या था, ये मेरा आइसन था सर, ये आपको लिख लेना है। ये लिखने के बाद अगर बुक से नहीं भी पढ़ाना तो भी चलता है, ठीक है, फिर भी एक बार बुक का देख लेंगे अपन। सर इट इज अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी ऑफ इशू। सर आइसेंस इन एनी कंट्री आर अलॉटेड बाय अ कंट्रीज एनएनए, नेशनल नंबरिंग एजेंसी। हमारी नेशनल नंबरिंग एजेंसी, हर कंट्री में एक नेशनल नंबरिंग एजेंसी होती है, ये एजेंसी उस कंट्री की आइसन को क्या करती है सर, अलॉट करती है। आपने बोला सर आइसन इज स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम विच एक्सेप्ट एक्सेप्टेड ग्लोबली। सर ये एक स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है जो ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। आपने बोला ठीक है सर, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है उसने आइसन को, आइसन का स्ट्रक्चर क्या किया है सर, आइसन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है किसने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। आपने बोला कि सर ये नाम याद रखना है, नाम याद रखना है। आपने बोला ठीक है, इन इंडिया इशूइंग आईसीएन टू द सिक्योरिटी इज असाइंड बाय सेबी टू एनएसडीएल फॉर डीमैट शेयर्स, सेबी वर्क्स एज एनएनए इन इंडिया। सर आपने बोला नेशनल नंबरिंग एजेंसी जो थी ना, ऊपर हमने देखा था कि सर जो नेशनल नंबरिंग एजेंसीज हैं उसको यहाँ पे उसका काम कौन परफॉर्म कर रहा है, उसका काम हमारे इंडिया में सेबी परफॉर्म करता है और सेबी ही आपको आपका आईसीएन नंबर जो है वो देता है। आपने बोला ठीक है सर, फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलॉटमेंट ऑफ आईसीएन इज डन बाय द आरबीआई। आपने बोला अगर गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह हैं, ये सब चीजें जो हैं ये आगे देखने वाले हैं अपन, तो ये सारी सिक्योरिटीज कौन इशू करता है सर, आरबीआई इशू करता है। किसने बोला है सर इसको, आपको गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं तो वो आरबीआई इशू करेगा। सर आईएसएन कंसिस्ट ऑफ 12 लेटर डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। सर आपने बोला कि 12 नंबर डिजिट्स का कोड रहता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला हमने देखा था, क्या देखा था, कंट्री कोड था, फिर उसके बाद इश्यूअर का नंबर था, फिर उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था। आपने बोला ठीक है सर, द कंपनी हैज टू अप्लाई आईएसएन फॉर इट्स सिक्योरिटीज विथ डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रोस्पेक्टस। आपने बोला कि प्रोस्पेक्टस के साथ आपको ये आईसेन जो है इसका एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। आपने बोला ठीक है सर, ये हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी है ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके बाद एक बार हम फंक्शनिंग्स देखते हैं, किसकी, डिपॉजिटरी की। सर डिपॉजिटरी की फंक्शंस क्या क्या है डिपॉजिटरी के, चलो सर आ जाओ। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस। सर एक ही चीज बार बार, हाँ सर देखना पड़ेगा। आपने बोला कि ये कैसे डिपॉजिटरी फंक्शन में ये चीजें कन्वर्ट होती हैं, कैसे फिजिकल सिक्योरिटी डीमटेरियलाइज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती हैं। सर डीआरएफ फॉर्म सबमिट करना है किसे, अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा सर, आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा और आपको डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट करेगा कि सर इसकी जो सिक्योरिटीज है उसको कैंसिल करो। डीपी डिस्पैच द फिजिकल सर्टिफिकेट्स एंड कॉपी ऑफ डीआरएफ टू इश्यूअर। सर आपने बोला कि डीपी ने आपकी फिजिकल सर्टिफिकेट्स कंपनी को भेज दी और एक डीआरएफ की कॉपी भेज दी। कंपनी ने क्या किया भैया, इश्यूअर यानी कंपनी, कंपनी ने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, कंफर्म किए डिपॉजिटरी को कि भैया आप अपनी जो सिक्योरिटीज हैं हम यहां से कैंसिल कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, अब आप इसको अपने डीमैट फॉर्म में इसको दे सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सर डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स द रिक्वेस्ट सिस्टम
इन द सिस्टम एंड फॉरवर्ड इट टू द इश्यूअर। सर आपकी डिपॉजिटरी कंपनी को वापस से बता देगी कि हाँ सर हमने आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली है, रिक्वेस्ट कंफर्म कर ली है और डिपॉजिटरी ने आपके सर आपकी जो सिक्योरिटीज हैं डीमैट इनटू बेनिफिशियरी अकाउंट। सर आपके डीमैट अकाउंट में जो डिपॉजिटरी है वो क्या करेगी, आपके जो शेयर्स हैं जो सिक्योरिटीज हैं उनको ट्रांसफर कर देगी। सर डीपी इश्यूज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू द इन्वेस्टर। डीपी ने आपके इन्वेस्टर को इंटीमेशन दे दिया, बोला ठीक है सर ये आपका डायग्राम से बस समझाया है आपको, सर कुछ नहीं है। आपने डीआरएफ फॉर्म सबमिट किया डीपी को, डीपी ने क्या किया आपकी रिक्वेस्ट भेजा डिपॉजिटरी को, पर डिपॉजिटरी ने आपकी डीपी ने इसके बाद क्या किया था इश्यूअर को भी एक कॉपी डिपॉजिटरी को भेजता है एक कॉपी कंपनी को भेजता है, याद है डीआरएफ की, आपने बोला हाँ सर। उसके बाद आपने देखा कि इश्यूअर जो कंपनी है इसने डिपॉजिटरी को कंफर्म किया कि हाँ भाई हमारे पास सिक्योरिटीज आ गए हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट्स आ गए हैं और ये वेरीफाइड हो गए हैं, सही है ये, ठीक है। आपने बोला कि सर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिए या कुछ दे दिए, इस वजह से हम इश्यूअर से चेक करवाते हैं। डिपॉजिटरी को कैसे मालूम कि सर आपकी सिक्योरिटीज असली हैं या जाली हैं, ठीक है। तो आपकी सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने का काम किसका रहता है, सर इश्यूअर कंपनी का, जिसने आपको शेयर्स इश्यू किए थे। तो वापस आप उन शेयर्स को उन कंपनीज के पास भेज रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि सर देखो ये शेयर्स असली हैं, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है मैंने। इसके बाद इश्यूअर कंपनी डिपॉजिटरी को क्या करता है सर, कंफर्म करता है। उसके बाद डिपॉजिटरी क्या करता है सर, आपके आपका जो डीमैट का रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड करता है इश्यूअर के पास। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आपके बेनिफिशियल ओनर के पास क्या करता है सर, बेनिफिशियल ओनर के डीमैट में आपका शेयर्स क्रेडिट कर देता है। सर शेयर क्रेडिट हो गया, डीपी को बता दिया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने बेनिफिशियल ओनर को बता दिया, देख चुके हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब इन केस ऑफ आईपीओ, आईपीओ के केस में क्या होता है सर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के टाइम पे क्या होता है, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में इश्यू कर रही होती है, सर इन्वेस्टर जो बेनिफिशियल ओनर होता है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करता है किसको, इश्यूअर कंपनी को। हमने देखा था हमारा जो इन्वेस्टर है वो कंपनी को एक एप्लीकेशन देगा। सर आपने बोला इश्यूअर कंपनी वेरीफाई करेगी डिटेल्स को और डिपॉजिटरी को बताएगी। सर आपने बोला उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगा डिपॉजिटरी जो है उस इश्यूअर को रिपोर्ट करेगी, यानी कंपनी को रिपोर्ट करेगी कि भैया हाँ ठीक है आइडेंटिफिकेशन हो गया है। अब इश्यूअर कंपनी जो है वो अलॉटमेंट की डिटेल्स देगी, भैया हमने इतने इतने लोगों की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की है, अब इतने लोगों के डीमैट में आपने क्या करना है, शेयर्स अलॉट करना है। सर डिपॉजिटरी जो क्या है, डिपॉजिटरी बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट में जो सिक्योरिटीज हैं उनको क्रेडिट कर देगी और डिपॉजिटरी किसको बता देगी सर, डीपी को बता देगी कि भैया हमने हमारे हमारी तरफ से आपके जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं, जो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जो क्लाइंट्स हैं, हम इन्वेस्टर्स क्योंकि हम तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं डिपॉजिटरी से, तो ये डिपॉजिटरी डीपी को बताएगी कि हमने आपके शेयर्स जो हैं वो क्रेडिट कर दिए हैं, आप चेक करवा लो। सर आपने बोला कि फिर डीपी जो है ना ये आपको इंटीमेट कर देता है कि हाँ सर आपके शेयर्स आ गए हैं। तो ये क्या हुआ सर, आपने बोला कि सबसे पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म दी, किसको दी, कंपनी को दी। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने आपका वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन करने के बाद किससे, आपके डिपॉजिटरी से वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन रिपोर्ट किसको भेजी वापस से, सर इश्यूअर कंपनी को भेजी, किसने, डिपॉजिटरी ने भेजी। उसके बाद आपने बोला कि सर हमने वेरीफाई कर लिया है कि इतने इतने लोगों को हमने एप्लीकेशन किस क्या है एक्सेप्ट की है, तो इतने लोगों को आपको अलॉटमेंट करना है। सर आपने सारी अलॉटमेंट की डिटेल्स दे दी, आपने अलॉटमेंट्स की डिटेल दी, तो उसके बाद आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, एक डीमैट अकाउंट में, जिस डीमैट अकाउंट से आपने एप्लीकेशन की थी। उसके बाद आपके डिपॉजिटरी ने क्या किया, डिपॉजिटरी ने आपको इंटीमेशन दे दिया किसके थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू कि भैया आपके पास आपकी सिक्योरिटीज हमने क्रेडिट करवा दी हैं। और इस इंटीमेशन को भैया आगे किसने बढ़ाया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने बढ़ाया, किसको बताया कि आपके बेनिफिशियल ओनर को बताया कि सर आपकी सिक्योरिटीज आ चुकी हैं, डिपॉजिटरी ने इंटीमेट कर दिया है, अब मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूं, सिंपल। आपने बोला ठीक है सर। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं ये क्या हुआ। भाई आवाज आ रही ना मेरी, हाँ मैं डर गया था भाई, मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। द
ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम। आपने बोला कि सिक्योरिटीज ट्रांसफर कैसे होती हैं इन केस ऑफ सेल ऑफ शेयर। आपने बोला जब आपको शेयर सेल करने हैं तो कैसे होगा? सर, ट्रांसफरर जो सेल कर रहा है, जिसको जिसके पास अभी सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, जो बेच रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, इन्वेस्टर हैज टू इन्फॉर्म डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बाय इशूइंग डीआईएस, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। सर, ये एक ऐसी स्लिप होती है जो आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते टाइम मिलती है। इसमें आपका सिक्योरिटीज की डिटेल्स होती हैं, सिर्फ 20 या 40 कॉपीज की एक स्लिप रिसीट मिलती है आपको, चेकबुक जैसे। जब भी आपने क्या करना पड़ता है, जब भी आपको ट्रांसफर करना होता है ना, तो ये स्लिप आपको फिल करके अपने डीपी को देनी होती है, और ये डीपी उस अकॉर्डिंग आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करता है। सर, आपने डीआईएस जो स्लिप थी इसको क्या किया, आपने फाइल किया और साइन करके आपकी जो भी जितनी भी सिक्योरिटीज आप बेचना चाह रहे हैं उसकी डिटेल दी। एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन द सिक्योरिटीज आर डेबिटेड इन हिज डीमैट अकाउंट। ट्रांसफर्स कैन बी डन एज ऑफ मार्केट ट्रेड और एज मार्केट ट्रेड। सर, आपने बोला कि आपने ये डीआईएस फाइल करके दे दिया, डीआईएस आपने दी और वहां पे सेल आपका क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। सर, ये जो एग्जीक्यूशन हुआ, ट्रेड हुआ, ये या तो मार्केट टाइम पे हो सकता है। सर, मार्केट टाइम क्या है? सर, मार्केट सुबह 9:15 से लेके शाम को दोपहर में, मतलब 3:30 बजे तक शुरू रहता है, ठीक है, ये आपके मार्केट आवर्स हैं। इसके अलावा कभी भी आप अगर ट्रेड कर रहे हैं ना, इस टाइम के अलावा आप कभी भी ट्रेड करते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? सर, इसको हम ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन कहते हैं या ऑफ मार्केट ट्रेड कहते हैं। 9:15 से लेके 3:30 के अलावा आप कभी भी अगर अपनी सिक्योरिटीज का ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसको ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन कहते हैं, क्योंकि आप बंद मार्केट के टाइम कर रहे हैं। सर, आप मार्केट के टाइम के अंदर नहीं कर रहे हैं, आप मार्केट बंद होने के बाद ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सर, अब देखो, ये ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन क्या होता है? एनी ट्रेड सेटल्ड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज इज कॉल्ड ऑफ मार्केट। सर, आपने आपके दोस्त को सिक्योरिटी सेंड करनी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आज अपने हरीश सर को अपने कुछ शेयर्स देने हैं, ठीक है, अभी मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली उनके अकाउंट में अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर दूंगा। मैं किसको? अपने ब्रोकर को, अपने डीपी को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि सर मुझे ये शेयर्स अपने दोस्त को सेंड करना है। कैसे करूंगा? सर, मैं ये डीआईएस फाइल करूंगा, उसको अपनी डिटेल्स बताऊंगा, कितनी सिक्योरिटीज दे रहा हूँ, सामने वाले की डिटेल्स बताऊंगा, किसको दे रहा हूँ, एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, उसकी आइडेंटिटी लिखूंगा। सर, ऐसे मेरा ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। सर, एग्जाम्पल इंक्लूड्स लेगेसी ट्रांसफर, गिफ्ट, शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सब ब्रोकर। सर, आपने बोला कि ये सारे सेटलमेंट्स कैसे हो रहे हैं? सर, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन के थ्रू हो रहे हैं। कैसे? लेगेसी ट्रांसफर है, यानी मैं कोई गिफ्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। सर, आपने बोला कि मैं कोई अपने सिक्योरिटीज को शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, किसके बीच में? सर, क्लाइंट से मेरे सब ब्रोकर के बीच में। सब ब्रोकर क्या होता है? सब ब्रोकर इज बेसिकली अ ब्रोकर हु वर्क्स अंडर योर ब्रोकर, अंडर योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसको हम सब ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। देखो सर, आपके सेलर ने क्या किया, आपके डीपी को ये दी, डीआईएस दी, ठीक है, आपके डीआईएस से आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को पता चला कि सर आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने आपका सेलर का डीपी और आपके बायर के डीपी को पता चला कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और आपका ट्रांजेक्शन कैसा, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ ऑफ मार्केट में, मार्केट से बाद वाले टाइम पे, तो इसको हमने बोला कि सर ये हमारा ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन कहलाया। चलो सर, नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है। सर, आपने बोला ट्रांसफरर जो है, सेलर जो सेल कर रहा है, गिव्स डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस टू हिज डीपी टू मूव सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रांसफरर्स अकाउंट टू बायर्स अकाउंट। आपने बोला सर ये जो सेलर है ना, इसने इंस्ट्रक्शंस दिए कि मेरी सिक्योरिटीज को मेरे अकाउंट से बायर के अकाउंट में पहुंचाओ, ठीक है। अब ट्रांसफरी द बायर विल रिसीव द क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू डीपी इनटू बायर्स अकाउंट आफ्टर कंफर्मिंग फ्रॉम डिपॉजिटरी टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आपने बोला कि सर आपने आपके डीपी ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कंफर्म कर लिया, और इस कंफर्मेशन के बाद वो जो सिक्योरिटीज थी वो अपने
जो दूसरे बंदे के अकाउंट में जाने वाली थी वहां पे ट्रांसफर कर दी। ये क्या हुआ सर? ये सारा कहाँ पे हो रहा है? ये सारा बंद मार्केट के टाइम हो रहा है सर। मार्केट जब बंद है, मार्केट आवर्स के बाद हो रहा है या मार्केट आवर्स के पहले हो रहा है सर? द फंड्स द मनी विल बी पेड बाय द बायर टू द सेलर डायरेक्टली। सर आपने बोला कि यहाँ पे आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली आप बायर को या सेलर के बीच में आप डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब मार्केट ट्रेड क्या होता है? मार्केट ट्रेड वो होता है जो ट्रेड एक 9:15 और 3:30 के बीच में हुआ हो। सर एनी ट्रेड विच इज सेटल्ड थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मार्केट ट्रेड। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू हो रहा है मतलब याद है NSCCL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। आपने बोला कि सर आपकी सिक्योरिटीज उसके पास गई, वो सिक्योरिटीज इसने आपके बायर को भेज दी, बायर को भेज दी, बायर के बैंक से आपका NSCCL के पास पैसा गया, पैसा उसके पास से सेलर के बैंक अकाउंट में आ गया। तो ये क्या हुआ सर? ये आपका मार्केट ट्रेड हुआ है। किसके थ्रू हुआ है सर? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू हुआ है। ठीक है आपने बोला ठीक है सर। सी इसका तो बहुत वेग बना दिया, अपना जो डायग्राम था अपना ही डायग्राम रेफर करना, वो ज्यादा तो अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को। आपने बोला ठीक है सर। ट्रांसफरर गिव्स डिलीवरी इंस्ट्रक्शन टू डीपी। आपने बोला कि जो ट्रांसफरर है जो बेच रहा है वो अपने डीपी को इंस्ट्रक्शन देता है भाई सो सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम ट्रांसफरर अकाउंट्स टू ट्रांसफरर्स ब्रोकर अकाउंट। आपने बोला कि सर आपने इंस्ट्रक्शंस दी डीपी को तो आपके अकाउंट से वो जो शेयर्स हैं वो ब्रोकर के अकाउंट में गए और वो सिक्योरिटीज फिर ट्रांसफर हुई उस ब्रोकर के अकाउंट में, जिस ब्रोकर के पास हमारे सेलर की सिक्योरिटीज है, सेलर का अकाउंट, बायर का अकाउंट है। समझ लो मैं बेच रहा हूं, मैं ट्रांसफरर हूं, जो ट्रांसफर ही है उसका डीमैट अलग होगा, उसका डीपी अलग होगा। ठीक है, मेरे डीमैट से, मेरे अकाउंट से मेरे ब्रोकर के अकाउंट में गया पैसा। सर ये मेरा डीमैट है, ये मेरे डीमैट से मेरे डीपी के अकाउंट में गया, डीपी के अकाउंट से सर आपने बोला ये एनएससीसीएल के पास गया। एनएससीसीएल ने क्या किया सर? एनएससीसीएल ने आपने बोला कि जिसको मैं बेच रहा हूं उसका भी अलग डीपी होगा, ये मेरा ट्रांसफरर। ठीक है, ये ट्रांसफरर और ये मैं रहा ट्रांसफरी। सर ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, आपने बोला मेरे डीमैट से मेरे डीपी के डीमैट में गया, मेरे डीपी के डीमैट से एनएससीसीएल के पास गया, यहां से डीपी के अकाउंट में आया उस बंदे के ट्रांसफरी के डीपी के अकाउंट में, और इस ट्रांस डीपी ने मेरे ट्रांसफरी के अकाउंट में वो शेयर्स भेज दिए। तो ये थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। आपने बोला कि सर ऑन द डे ऑन द पे आउट डे, याद है वो पेन पे आउट सर मैंने आपकी अपना एनएससीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, फंड्स पे इन, सिक्योरिटीज पे इन। सर पे आउट डे सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू द अकाउंट ऑफ ब्रोकर ऑफ बायर। आपने बोला कि सर बायर के ब्रोकर के थ्रू वो सिक्योरिटीज निकली, पे आउट हुई। ठीक है, आपने बोला आफ्टर इंस्ट्रक्शन एंड कंफर्मेशन फ्रॉम डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज मूव टू बायर्स अकाउंट। आपने बोला कि सर बायर के अकाउंट में आ गई। आपके इंस्ट्रक्शन किसने दिए सर? डिपॉजिटरी ने दिए। आपके क्लियरिंग सेटलमेंट किसने करवाया? आपके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने करवाई। आपने बोला ठीक है सर। इन केस ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स सर आपने बोला द क्लाइंट द ट्रांसफरी सेंड्स द इंटीमेशन टू डीपी गिविंग डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज बॉट। आपने बोला कि सर जो बंदा खरीद रहा है वो क्या करेगा? वो आपके ब्रोकर को, आपके डीपी को क्या करेगा? डिटेल्स देगा जो सिक्योरिटीज उसने खरीदी है उसकी। द डिपॉजिटरी आफ्टर द ड्यू प्रोसेस इन्फॉर्म द डीपी टू ट्रांसफर और क्रेडिट द सिक्योरिटी इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। अब सर ये जो सिक्योरिटीज आई हैं इसको डीपी डिपॉजिटरी को बताएगा कि सर आप इन जो सिक्योरिटीज खरीदा है मेरे बंदे ने, ट्रांसफरी ने, इसके नाम पर आप क्या करें? सिक्योरिटीज इसके नाम पर ट्रांसफर कर दें या क्रेडिट कर दें। आपने बोला डीपी मेक्स बुक्स एंट्रीज इन अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टर टू रिकॉर्ड ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। डीपी क्या करता है? डीपी एक बुक मेंटेन करके रखता है जिसमें वो सारी एंट्रीज लिखता है, किस चीज की? सारे इन्वेस्टर्स जो बाय और सेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज का, इन सब चीजों का रिकॉर्ड होता है। किसके पास होता है? डीपी के पास होता है। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। अब हमारे देश में दो डिपॉजिटरीज,
कौन कौन सी? एनएसडीएल, सीडीएसएल। सर आपने बोला कि एनएसडीएल जो थी, इट इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, सबसे पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी थी जो बनाई गई थी नवंबर 1996 में। इट इज प्रमोटेड बाय आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। याद है मैंने आपको बताया था कि आपको किसने, गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज बनाओ, आपने एनएससी बनाया। फिर आपको बोला कि सर एक डिपॉजिटरी अपनी खुद की बनानी चाहिए, तो डिपॉजिटरी बनाने के लिए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े बैंक्स का ऐसा संयोग लगा था। तो ये वही बैंक्स थे। कौन से बैंक थे सर? आईडीबीआई ने आपको प्रमोट किया था और यूटीआई ने आपको प्रमोट किया था। उसके अलावा एनएससी की तो सब्सिडियरी है ही, आपने देखा था कि जो एनएसडीएल है वो एनएससी की सब्सिडियरी है। आपने बोला ठीक है सर, एनएसडीएल हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। सर सीडीएसएल का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वो भी मुंबई में ही। आपने बोला सर एनएसडीएल इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। एनएसडीएल जो है ना, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में क्या हुई थी? एस्टैब्लिश हुई थी। सर एनएसडीएल प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द कैपिटल मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, इश्यूअर्स, क्लियरिंग मेंबर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें, एक एक चीज हम डिटेल में देख चुके हैं कि हमारा एनएसडीएल जो है वो इन सब लोगों की क्या करता है सर? इन सबको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी वेरियस सर्विसेज बताया सर? स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है सर, बैंक से रिलेटेड है, इश्यूअर से रिलेटेड है। इश्यूअर यानी या कंपनी। सर आपने बोला कि इट रेंडर्स सर्विसेज लाइक अकाउंट मेंटेनेंस, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड थ्रू मार्केट ट्रांसफर एंड ऑफ मार्केट ट्रांसफर, नॉमिनेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड इन डिसबर्समेंट, फैसिलिटी ऑफ फ्रीजिंग और लॉकिंग ऑफ इन्वेस्टर्स अकाउंट, इन्वेस्टर ग्रीवियंस एक्सेट्रा। सर ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या क्या बोल रहा है ये? आपको डीमटेरियलाइज करवाना सिक्योरिटीज तो आपका डिपॉजिटरी हेल्प कर देगा, रीमटेरियलाइज करवाना तो आपका डिपॉजिटरी करेगा। सर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड है, आपके ट्रेड सेटलमेंट करना है, उसका काम कौन करवाता है सर? डिपॉजिटरी के थ्रू होता है। सर आपने बोला कि अगर मार्केट ट्रांजेक्शन ट्रांसफर हो रहा है या ऑफ मार्केट ट्रांसफर हो रहा है तो इसकी देखरेख कौन कर रहा है? हमारा डिपॉजिटरी कर रहा है। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन यानी याद है मैंने आपको बताया था, नॉमिनेशन जब आप डीमैट खुलवाते हो तो आपका जो ब्रोकर है वो आपसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरवाता है कि सर कल को आप अगर नहीं रहे तो ये शेयर्स किसको मिलेंगे। उसका काम कौन देखता है सर? डिपॉजिटरी देखता है। आपने बोला ट्रांसमिशन, कल को आप मर गए तो आपके शेयर्स ट्रांसमिट किसको होंगे? उसका काम सर डिसबर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन। सर डिविडेंड आ रहा है, बोनस आ रहा है, सॉरी नॉन कैश बोले तो बोनस शेयर्स हैं, राइट्स इश्यूज हैं, तो ये जो शेयर्स आपके अकाउंट में आ रहे हैं तो ये किसके थ्रू आ रहे हैं सर? डिपॉजिटरीज के थ्रू आ रहे हैं। आपने बोला सर डिविडेंड का डिसबर्समेंट है, डिविडेंड जो आपको आ रहा है ये किसके थ्रू आ रहा है सर? कंपनी आपको पहले आपके डिपॉजिटरी को बताती है कि सर हमने आपको डिविडेंड दे रहे हैं, आपके जो जितने भी रजिस्टर्ड बेनिफिशियल ओनर्स हैं आप उनको अपना डिविडेंड बांट दीजिएगा। तो ये कौन कर रहा है सर? डिपॉजिटरी कर रही है। आपने बोला कि सर आपके अकाउंट में आपको अगर अपने शेयर्स फ्रीज करवाना है, लॉक करवाना है तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। सर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस यानी अगर कोई इन्वेस्टर प्रताड़ित है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके ग्रीवियंस, उसकी कंप्लेंट्स, ग्रीवियंसेस कंप्लेंट्स कौन सुनता है सर? आपका एनएसडीएल सुन लेगा। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद हमारा सीडीएसएल है। सीडीएसएल का क्या काम है सर? सीडीएसएल बिगेन इट्स ऑपरेशन इन फरवरी 1999। इट वाज प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद है मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फेल्ट नीड टू एस्टेब्लिश देयर ओन डिपॉजिटरी। तब उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने सीडीएसएल बनाया विद सेवरल बैंक्स, इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई। सर सीडीएसएल हैज वाइड डीपी नेटवर्क एंड ऑफर्स डीमैट सर्विस सिमिलर टू एनएसडीएल। सर आपने बोला कि इसका जो है ना, इसका वाइड डीपी नेटवर्क है, क्योंकि हमने देखा था कि सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था वो ऑलरेडी ऐसा ब्रोकर से डोमिनेटेड था कि सर ब्रोकर का ही पूरा कंट्रोल था वहां पे। आपने बोला ठीक है। बोथ द इंस्टीट्यूशन हैव प्लेड अ ट्रेमेंडियस रोल इन सक्सेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। सर बिना एनएसडीएल, बिना सीडीएसएल के हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम हिल चुका होता, लेकिन इन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया है और बढ़िया संभाला है। तो दिस वॉज इट। ये था अपना
सबसे अच्छा क्रूशियल टेक्निकल मजेदार जोरदार चैप्टर डिपॉजिटरी सिस्टम। अब इसके बाद हमारे थोड़े थोड़े छोटे छोटे से चैप्टर बच जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम अपना फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे, फिर स्टॉक मार्केट देखेंगे। इसके बाद हमारा कोर्स जो है वो खत्म हो चुका होगा, क्योंकि अब जो चैप्टर्स बचे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम उसमें भी अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो तुमको याद करनी, कुछ समझनी जरूरी है, तो वो हम एक एक करके अगले चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है सर, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस चैप्टर, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लेक्चर एंड ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन पीस आउट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।